नमस्कार। संस्कृत और हिंदी के पाठ्यक्रम में आपने तीन शब्द पढ़े होंगे, एक होता है तर्क, दूसरा होता है कुतर्क और तीसरा होता है वितंड। तर्क से आप जीत सकते हो क्योंकि वो एक हेल्दी क्रिटिसिज्म होता है। कुतर्क को भी आप मात दे सकते हो क्योंकि उसमें आप अपने आर्गुमेंट ढंग से रख सकते हो, लेकिन जब आ जाता है आदमी वितंड पर तो आपका जीतना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि वितंड का मतलब होता है अपने कपड़े उतार कर लड़ना, नग्न हालत में लड़ना, नंगे होकर लड़ना। और नंग बड़ा परमेश्वर से, ये भी आपने पढ़ा ही होगा। भारतीय मीडिया किस प्रकार से नग्न हालत में आकर लड़ रही है और किस प्रकार से वितंड पर उतर आई है वो हम आपको इस वीडियो में दिखा वाले हैं। आप देखते रहिए आज की ताजा खबर। जैसे कि हर सरकार कुछ अच्छे काम करती है, कुछ बुरे काम करती है, उसी प्रकार से मोदी सरकार ने भी कुछ अच्छे काम किए हैं। लेकिन द वायर नाम की एक पत्रिका जो कि प्रक्षय देती है विनोद दुआ, अभिसार शर्मा, रोहिणी सिंह जैसे पत्रकारों को, उन लोगों को प्रक्षय देने वाली ये पत्रिका, ये वेबसाइट किस प्रकार से वितंड की पराकाष्ठा को पार कर रही है, हम आपको चार एग्जाम्पल्स के द्वारा दिखाने वाले हैं। पहला एग्जाम्पल आता है जनधन अकाउंट्स का। जनधन अकाउंट्स उन गरीब लोगों के लिए अकाउंट्स खोले गए थे, 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। उन गरीब लोगों के लिए अकाउंट्स खोले गए थे जिनको कभी पूछा नहीं गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन में उनको कभी इन्वॉल्व नहीं किया गया था, उन लोगों के लिए अकाउंट्स खोले गए थे। करीब 32 करोड़ अकाउंट्स ये खोले गए हैं आज तक, और इनमें करीब 76,000 करोड़ रुपए की पूंजी जो कि लोगों के घरों में ऐसे ही पड़ी थी वो बैंकिंग प्रणाली में आई है इन अकाउंट्स के जरिए। लेकिन द वायर इसको कैसे कवर करता है, द वायर इस पर एक आर्टिकल लिखता है कि 1 रुपया जबरदस्ती जमा करवाया जा रहा है लोगों के अकाउंट में, लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि आप अपने अकाउंट में 1 रुपया जमा करें नहीं तो आपका अकाउंट नहीं खोला जाएगा। और यह उन्होंने अंदाजा कैसे लगाया, उन्होंने यह अंदाजा ऐसे लगाया कि 70% थे जो जीरो बैलेंस अकाउंट थे, वो अचानक से धीरे धीरे कर सिर्फ 20% रह गए। तो ये जो गैप कम हो गया इससे उन्होंने ये अंदाजा अचानक से ही लगा डाला। आप खुद सोच सकते हैं किस प्रकार की निरर्थक वितंडपूर्ण पत्रकारिता ये थी। दूसरा एग्जाम्पल है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन यानी ग्रामीण विद्युतीकरण का। जब मोदी सरकार ने मोर्चा संभाला 2014 में तो करीब 18,000 गांव ऐसे थे जहां पर बिजली नहीं थी। अगले 1,000 दिनों में वो उन 18,000 गांवों में बिजली भेजने का काम किया गया। हालांकि इस चीज पर भी कुछ लोगों ने अलग अलग रिपोर्ट बनाई है जिसको कि हम निरस्त करने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो करीब करीब 18,000 गांव में ये बिजली पहुंचाई गई, लेकिन द वायर का इससे पेट नहीं भरा। द वायर ने इस पर आर्टिकल छापा कि गांव में बिजली पहुंचाने से क्या होता है, जब आदमी के घरों में बिजली पहुंच जाएगी, हर व्यक्ति के घर में बिजली पहुंच जाएगी तब बात करना। किसी भी प्रकार से वितंड की पराकाष्ठा को ये लोग पार करते रहे। हालांकि जो ये टारगेट है हर घर में बिजली पहुंचाने का, ये भी करीब करीब 65% पूरा हो गया है, और मार्च 2019 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का जो टारगेट है वो पूरा हो सकता है। करीब 65% ये पूरा हो गया है। चलिए चलते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। दोस्तों हमारा तीसरा एग्जाम्पल आता है उज्ज्वला योजना का। जी हां, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत करीब 5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को गैस सिलेंडर्स मुफ्त में प्रदान किए गए। गैस सिलेंडर्स मुफ्त में प्रदान करने का क्या मतलब होता है कि वो लोग अब गैस पर खाना बनाने लगे। उन लोगों ने प्रेशर कुकर्स भी लिए होंगे, उन लोगों ने कुछ यूटेंसिल्स भी लिए होंगे जो कि गैस पर खाना पकाने के काम आते हैं। अब ऐसे में इंसान की जो ईज ऑफ लिविंग होती है उसमें इंप्रूवमेंट आती है, उसे चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिलती है। लेकिन द वायर को यह चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। द वायर ने क्या आर्टिकल लिखा आप पढ़ पा रहे होंगे, टीकमगढ़ के पॉटर जो हैं वो जॉबलेस हो गए हैं क्योंकि एलपीजी कनेक्शन यूज करने लगे हैं लोग, यानी उनकी इंप्रूवमेंट इन लिविंग से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें फर्क पड़ता है इस प्रकार की हेडलाइन से, इन्हें फर्क पड़ता है इस प्रकार के वितंड से। लेकिन दोस्तों बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। आज से कुछ दिन पहले इन्हीं लोगों ने एक आर्टिकल छापा था कि भैया मोदी गवर्नमेंट ने गरीबों को सिलेंडर तो दे दिए हैं लेकिन वो अपना सिलेंडर जो है ना फिल नहीं करवा पा रहे हैं, रिफिल जो होता है वो नहीं करवा पा रहे हैं। ये इन्होंने कुछ दिन पहले लिखा था। आज यही लोग लिख रहे हैं कि लोग सिलेंडर यूज कर रहे हैं इस वजह से कुछ पॉटर्स जो हैं वो जॉबलेस हो रहे हैं। ये इनका किस प्रकार का वितंड है, ये इनका किस प्रकार का कुतर्क है या हिपोक्रेसी है
या दोगलापन है आप खुद देख सकते हैं। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला एग्जाम्पल आता है स्वच्छ भारत पर। 2014 में सिर्फ 38% भारतीयों के पास टॉयलेट की फैसिलिटी थी, लेकिन आज 2018 आते आते करीब करीब 95% ग्रामीण भारतीयों के पास ये फैसिलिटी पहुंच चुकी है। आप सोच सकते हैं कितना बेहतरीन काम इस दिशा में किया गया है, लेकिन कुछ लोगों के पेट में इससे भी दर्द होता है। आप पढ़ सकते हैं द वायर की हेडलाइन, हाउ स्वच्छ भारत इज बीइंग फोर्स्ड अपॉन छत्तीसगढ़ विलेजर्स, यानी छत्तीसगढ़ के ग्रामीणों पर किस प्रकार से स्वच्छ भारत को थोपा जा रहा है। आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से इन लोगों के लिए जबरदस्ती टॉयलेट्स बना दिए गए हैं। अब ये लोग फिर भी बाहर अगर जा रहे हैं तो इनसे अनुरोध किया जा रहा है कि आप शौच आदि के लिए टॉयलेट का प्रयोग करिए। ये कितनी गलत बात है। द वायर किस प्रकार से डिफेंड कर रहा है इन लोगों को जो कि बाहर ही शौच के लिए जाना चाहते हैं। ये उनका मौलिक अधिकार है। बीमारियां फैलें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वितंड की पराकाष्ठा को आपको पार करना है, ये इनका मौलिक अधिकार दिखता है वैसे द वायर का, तो वो इन्हें करना है किसी भी स्तर पर जाकर। तो दोस्तों हमने आपको दिखाया है इस वीडियो में, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन हमने 4 चुनिंदा एग्जांपल्स आपको दिखाए हैं जो कि सक्सेसफुल स्कीम्स रही हैं, उनको किस प्रकार से इन लोगों ने निरस्त करने का प्रयास किया है वितंड के द्वारा। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप द वायर जैसे पत्रकारों को, द वायर जैसी पत्रिकाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को 10 अन्य लोगों तक अपने आप पहुंचा सकता है। इतनी ताकत है एक लाइक में। आप हमें यदि सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारी पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें patreon.com पर सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका की एड्रेस आपको आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है।